अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम प्री टैग के बारे में सीखेंगे HTML में। सो इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं। मैं नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लेता हूँ इसको प्रैक्टिकल करने के लिए। ये बात याद रखें कि प्री टैग का मतलब होता है, यहाँ पर इस तरह से प्री टैग होता है, राइट। और इस प्री टैग का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, राइट। और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। इट्स वेरी सिंपल कि आप जो कोड है उसको कॉपी कर लेना है, जो बेसिक कोड है HTML का। ये पहले मैं वीडियोस में आपको सिखा चुका हूँ, तो आप HTML वाली प्लेलिस्ट को लाजमी देखें ताकि आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो। यहाँ पर आकर मैं इसको कंप्लीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ ये बेसिक कोड को HTML के को, और यहाँ से इसे न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करने से भी आप सेव कर सकते हैं, या फाइल पर आएँ और सेव पर क्लिक कर दें। यहाँ पर फाइल में अपनी मर्ज़ी का अपना नाम लिख सकते हैं, लोकेशन आप चूज़ कर सकते हैं। मैं अभी न्यू डेस्कटॉप न्यू फोल्डर फोर पर सेव करना चाहता हूँ। सो मैं फाइल का नाम अभी यहाँ पर लिख देता हूँ प्री, और एंड पर .html लाजमी लिखना है। आप फाइल का नाम प्री की बजाय कुछ भी लिख सकते हैं। सो इसको मैं अभी सेव कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर टाइटल पर अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दे देता हूँ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ओके, बॉडी में आके मैं क्या करता हूँ, मैंने प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट देना है, तो उसके लिए मैं टैग यूज़ करूँगा प्री, राइट। और यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग ऐड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा उसमें जितनी भी स्पेसेस आप इंक्लूड करेंगे वो सारी आएंगी। और इसका थोड़ा सा ना टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो भी चेंज आपको दिखाई देगा, मतलब कि उसका जो स्टाइल है फॉन्ट का, लिखाई का, वो भी आपको डिफरेंट दिखाई देगा। अभी मैं कुछ टेक्स्ट इधर कॉपी करके रखता हूँ ताकि आपको दिखाया जा सके। ओके, मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। तो अब ये पैराग्राफ है, तो देखिएगा इसमें आपको क्या दिखाई देता है। पैराग्राफ टैग भी हमने किया था ना, तो पैराग्राफ टैग और प्री टैग में क्या फ़र्क है आपको अभी नज़र आ जाएगा। इसको मैंने सेव कर लिया, जहाँ पर मैंने सेव किया हुआ है वहाँ पर उस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। प्री नाम की मैंने फ़ाइल बनाई थी, इसको मैं ओपन विद करता हूँ फायरफॉक्स में। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही लाइन में ये देखें किस तरह से नज़र आ रहा है, और काफ़ी हद तक वो ब्रीक नज़र आ रहा है टेक्स्ट। तो इसको हम आगे से स्क्रॉल करना पड़ रहा है इस तरह से, ये देखें पूरा का पूरा पैराग्राफ एक ही लाइन में नज़र आ रहा है। अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसके बाद ना इस फुल स्टॉप के बाद न्यू लाइन आए, मतलब कि एंटर कर देता हूँ मैं इसको। अब इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसको मैं जूम आउट करता हूँ 100% पर, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद ये न्यू लाइन पर आ जा रहा है, क्योंकि बीच में स्पेसेस हैं इसलिए बीच में ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा इस तरह से। अब इसको गेन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एक ही लाइन में फिर से आ गया। तो सो इसको मैं ऐसे करता हूँ, बैक आते हैं। अब इसको करते हैं ट्राई, रिफ्रेश करते हैं, ये देखें जी ठीक हो गया। स्पेस डालते हैं, ये देखें जी ठीक है। मतलब कि प्री टैग में आप जिस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे टेक्स्ट वैसा ही दिखा जाएगा। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं यहाँ पर एक स्पेस है अभी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर CSS में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक स्पेस है। अब मैं इसको जूम करता हूँ ताकि अच्छे से आपको नज़र आ सके, यहाँ पर भी एक ही स्पेस है और यहाँ पर भी एक स्पेस है। अब मैं यहाँ पर दो स्पेसेस कर दी, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर भी देखें दो स्पेसेस आ गई हैं, एक ये और ये दूसरी ये स्पेस। यहाँ पर अगर मैं तीन कर दूँ तो तीन स्पेसेस आ जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह मैं जितनी स्पेसेस यहाँ पर करूँगा उतनी ज़्यादा स्पेसेस टेक्स्ट पर आपको नज़र आएंगी, ठीक हो गया जी। ये देख सकते हैं आप, और इसका आप कलर ये भी देख सकते हैं, स्टाइल भी ना जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उसका स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है उसका फॉन्ट। तो अगर मैं इसी पैराग्राफ को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, अगर मैं इसी पैराग्राफ को पी टैग में लिखूँ तो फिर क्या होगा, आपको फ़र्क नज़र आएगा आई होप अच्छे तरीके से। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। पहले इसको मैं जूम आउट 100 पर कर लेता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए। अच्छा, ये देखें ये पी टैग के अंदर लिखा हुआ है और ये प्री टैग में लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्री टैग में और ये पैराग्राफ टैग में आप फ़र्क देख सकते हैं। अगर पैराग्राफ टैग में देखें कितनी स्पेसेस मैंने लिखी हैं, CSS saves के दरमियान कितनी स्पेसेस हैं, तो आप इधर देखिएगा
सी एस एस सेव्स किधर गया जी, सर्च कर लेते हैं सी एस एस सेव्स। ओके ये आ गया इधर। यहाँ पर देखें सी एस एस सेव्स के दरमियान कितनी स्पेसेस हैं, और यहाँ पर देखें सिर्फ एक स्पेस है, हालांकि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस हैं। पैराग्राफ में आप जितनी मर्जी स्पेसेस ऐड कर लें, आप स्पेसेस काउंट सिर्फ एक स्पेस ही होगी, जबकि प्री टैग में आप जितनी स्पेसेस ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा स्पेसेस आती जाएंगी। मतलब कि वो प्री फॉर्मेटेड टैग है, मतलब जिस तरह आपने देना है उस तरह से टेक्स्ट ने आते जाना है, जबकि पैराग्राफ टैग में ऐसा नहीं होता, उसमें सिर्फ एक स्पेस को काउंट किया जाता है। ओके आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपने पैराग्राफ टैग में मल्टीपल स्पेसेस लेकर आनी है तो फिर आपने ये नहीं यूज़ करना, आपने क्या यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। सी एस एस एक स्पेस तो आएगी, तो आप इसके बाद एक ये कोड यूज़ कीजिएगा एंड एन बी एस पी राइट, और एंड पर सेमी कॉलन, इससे एक स्पेस आ जाएगी। इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखें एक स्पेस तो ऑलरेडी थी, दूसरी स्पेस भी आ गई। अब अगर तीसरी स्पेस ऐड करनी है, इसी तरह से इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने का तरीका ये है कि कंट्रोल का बटन दबा के रखें, वी का बटन दबा दें, एक बार दबा के फिर से वी का बटन दबाएं, 2 3 4 5, इस तरह जितनी आप स्पेसेस चाहते हैं उतनी आप ये कोड लिख दें इधर। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें बीच में इतनी स्पेसेस आ गई हैं राइट। मैं फिर और मज़ीद यहाँ पर लिख देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें कितनी स्पेसेस आ गई हैं इसमें। मतलब कि पैराग्राफ में अगर आपको स्पेसेस चाहिए तो आपको ये कोड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा राइट। अगर इससे सिंगल स्पेस आती है इस कोड से, ठीक हो गया। अगर आपको डबल स्पेस इकट्ठी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा एंड ई एन एस पी और एंड पर सेमी कॉलन, इससे डबल स्पेस इकट्ठी आएगी। पहले वाले से सिंगल स्पेस आती है, इससे डबल स्पेस आएगी। इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें यहाँ पर डबल स्पेस इकट्ठी आ गई। एक स्पेस तो ऑलरेडी थी तो दो स्पेसेस इकट्ठी आई, तो मतलब टोटल तीन स्पेसेस आ गई इधर। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर दो स्पेसेस और ऐड करना चाहता हूँ तो ये एक सॉरी ये दो दो चार, चार स्पेसेस आ गई, एक ये हो गई पाँच और ये छः, तो हमारे पास टोटल छः स्पेसेस आ जाएंगी। ये देखें एक दो तीन चार, बल्कि चार ही आ रही हैं, आई थिंक चार पांच जितनी भी हैं आप इसको खुद दिया बजा देख लीजिएगा। मतलब कि इससे स्पेसेस आपकी डबल आती हैं, कहने का मतलब ये है। आप मज़ीद सर्च करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट ये कि इससे आपको डबल स्पेसेस मिलती हैं, क्योंकि आप कर्सर से इसको एक एक को सिलेक्ट करेंगे तो बाज़ अवकात ये पूरा पूरा सिलेक्ट नहीं होता, दो दो को बाज़ अवकात इकट्ठी भी सिलेक्ट हो जाती हैं। देखिए दो दो इकट्ठी भी सिलेक्ट हो जाती हैं, तो ये छः ही हैं तकरीबन मेरे ख्याल में, ठीक हो गया। तो आप यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ पर एक एक स्पेस आई थिंक सेलेक्ट हो रही है, ठीक हो गया। तो बाद डबल स्पेस आई थिंक क्योंकि हमने यहाँ पर ये यूज़ किया ना डबल स्पेस के लिए, तो इसलिए यहाँ पर ये डबल स्पेस, ये एक स्पेस होगी, ये डबल स्पेस अब इकट्ठी आ रही है क्योंकि हमने ये डबल स्पेस के लिए आई थिंक यूज़ किया था, इसलिए डबल स्पेस इकट्ठी सेलेक्ट हो रही है। आई होप क्या वो क्लियर होगा कि सिंगल स्पेस और डबल स्पेस आपने इंक्लूड करनी है अगर पैराग्राफ टैग में, तो उसके लिए आपने कौन से कोड का इस्तेमाल करना है। प्री टैग का भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपको पैराग्राफ टैग का भी क्लियर हो गया होगा, और स्पेसेस आपने कैसे ऐड करनी है पैराग्राफ टैग में ये भी क्लियर होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इलम की जस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके, और इलम की जस्तजू यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।